हरियाणा में जाटों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान क्या किया। सांसद राजकुमार सैनी एक बार फिर जाटों पर मुखर हो गए। करनाल पहुंचे कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद राजकुमार सैनी से जब सवाल किया गया कि जाट एक बार फिर सड़कों पर उतरने को तैयार हैं, तो जवाब में सैनी ने जाटों का नाम लिए बगैर कहा कि वो सड़कों से हटे ही कहाँ हैं। पिछले 4 सालों से जाट सड़कों पर बैठकर गरीबों को लूटने की कोशिश में ही लगा है और सरकार भी इनके डंडों के आगे झुककर इनकी मनमानी झेल रही है। वो अब क्या साबित करना चाहते हैं? देश में 55 साल राज करने वाली पार्टी भूखे नंगों की लाइन में देश को खड़ा करके क्या साबित करना चाहती है? हमारे से बाद जो देश आजाद हुए, मलेशिया, सिंगापुर, चीन, बैंकॉक, दुबई, ये सारे लोग आज कहां के कहां तरक्की कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचारियों का एक टोला है जो हाय कांग्रेस करके। मैंने कल मंच से पूछा था कि क्या सोनिया गांधी और उसके साहबजादे किसानों मजदूरों की समस्याओं से परिचित हैं, देश की समस्याओं से परिचित हैं? तो 60% लोगों ने हाथ खड़ा करके कहा नहीं। मैंने कहा कि क्या कोई आदमी ऐसा बैठा है जो ये सोचता हो कि ये लोग हमारी समस्याओं से परिचित हैं? एक भी व्यक्ति ने ऐसा हाथ नहीं खड़ा किया जो आदमी ये कहे कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया इस देश की समस्याओं को इससे परिचित है। ये इनकी अपनी क्रांति है एक दूसरे को नीचा दिखाने की। दलितों के ऊपर सम्मेलन कर रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जब पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पिट सकता है तो कौन से की बाकी का सिर सलामत है? ये तो क्रांतिकारी आपस में एक पोस्टर लगाने के ऊपर लठम लठा हो रहे हैं। इन लोगों ने बैकवर्ड क्लासेस का जिस प्रकार से नींबू निचोड़ देते हैं, इस प्रकार से निचोड़ा हुआ है। आज बैकवर्ड क्लास लगभग हमारे 52% लोगों को कांग्रेस ने, ये है कांग्रेस के बहुदाय काल का रिजल्ट। जब अब हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आखिर किस जाति के पास कितनी जनसंख्या है और उसके पास कितनी नौकरियां हैं, ये खुलासा होता है। ये बहुदाय काल कांग्रेस का ही है, इनेलो का है, 5 मुख्यमंत्रियों का है। क्या समझे दलित समाज, पिछड़ा समाज क्या समझे कि हमारे साथ कौन सी सरकार? आपको भी 4 और 4.5 साल होने को आएंगे, फिर भी प्रदेश में ऐसी कई चीजें हैं, जैसे किसानों की बात करें, जैसे सड़कों की बात करें, जैसे नगर निगम में करनाल का नाम तो आ गया रैंकिंग पे, लेकिन स्मार्ट सिटी में और कई चीजें ऐसी की वैसी पड़ी हैं। देखिए पिछली सरकारों में आप भेदभाव को देख करके, क्षेत्रवाद को देख करके आप, हम सब कहीं ना कहीं त्रस्त हैं। अभी मुझे नहीं मालूम पार्टी को जाति विशेष के लोगों ने पहले ही ठेंगा दिखा रखा है। 26 टिकटों में से सिर्फ 6 ही जीते थे, वोट नहीं पाए, और मुस्लिम वोट भी उनको लगभग यूपी के पैटर्न से देख करके पता लगता है कि नहीं आएंगे। एससी वोट भी नहीं आ रहा, और बैकवर्ड समाज जिसने 90% वोट बीजेपी को दिया था, आज जब उनके हकों के ऊपर डाका डलने लगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो समर्थन किया, फैसला दिया, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी डंडे के आगे झुक करके बैकवर्ड के हितों के खिलाफ खड़ी हो गई और लोगों को आरक्षण देने लगी। भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यकर्ता क्षुब्ध है, अब कौन सा वर्ग वोट देगा ये तो जनता बताएगी। सैनी साहब किसके साथ जाएं? मैं तो अपना राजनीतिक दल बना लिया है, अभी डिक्लेयर नहीं कर रहे काफी लंबे समय से। देखिए कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, जब तक हाथ में सारे कागज नहीं होते तब तक मैं ओछी राजनीति नहीं करता। वही सांसद सैनी ने कहा कि प्रदेश में फैला भेदभाव और दादागिरी को खत्म करने के लिए वो अपनी नई राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं और अगस्त महीने में नई पार्टी का ऐलान भी कर दिया जाएगा। करनाल से विकास महला की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।